Good morning everybody, I am Amir Khan in front of you. Today I will teach the most important chapter and the chapter is what? Periodic classification of elements. So dear student, अभी हम लोग बात करेंगे periodic classification of elements के बारे में. Dear student, ये बहुत ही important chapter है class 10th के लिए भी और class 11th के लिए भी. सबसे पहले जो इस चैप्टर का हम लोग मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि पीरियोडिक का मतलब क्या होता है. तो आप देखिए, जहां कहीं भी पीरियोडिक लगा हुआ है, तो पीरियोडिक का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ एनी थिंग्स इन ए पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम या नहीं तो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. अगर कोई भी चीज अगर रिपीट कर रहा है एक सर्टेन एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसी को कहेंगे पीरियोडिक. अब छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, स्कूल में एग्जामिनेशन होते हैं, पीरियोडिक टेस्ट एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. दूसरा एग्जांपल लेते हैं, स्कूल में जो पीरियड्स होते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद होता है ना कि 40 मिनट के बाद साइंस का पीरियड आएगा, फिर 40 मिनट के बाद फिर हिस्ट्री का पीरियड आएगा, फिर 40 मिनट के बाद मैथमेटिक्स का पीरियड आएगा. तो रेगुलर इंटरवल ऑफ के बाद आपका रूटीन रिपीट कर रहा है, उसी को कहते हैं पीरियड. ओके, तो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी चीज रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर रिपीट कर रहा है, दैट इज नोन एज पीरियोडिक. ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी. किसी भी चीज का जो ग्रुपिंग होता है, किसी भी चीज का जो हम लोग ग्रुप बनाते हैं सर्टेन सिमिलैरिटी के साथ, उसी को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन. अगर बायोलॉजी की बात करें तो जितने भी मैमल्स है उनका एक ग्रुप बना दिया गया. क्यों? सभी के पास मेमोरी ग्लैंड है, दे ऑल आर टेट्रापोड्स, सब वार्म ब्लडेड है. हम लोग अगर लाइब्रेरी में जाए, स्कूल के लाइब्रेरी में, तो वहां पर देखते हैं मैथमेटिक्स का बुक अलग एक ग्रुप में है, उसका क्लासिफिकेशन अलग है. कॉमर्स का बुक एक अलग ग्रुप में मिलता है, हिस्ट्री का बुक एक अलग ग्रुप में मिलता है. अगर घर की बात करें, अगर किचन में जाते हैं तो चाय पत्ती अलग डब्बे में है, चीनी अलग डब्बे में, मिर्च पाउडर, चिल्ली पाउडर अलग डिब्बे में है, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. तो सिमिलैरिटी के बेसिस पर जो चीजों को हम ग्रुप में बांट देते हैं, उसी को कहते हैं क्या, क्लासिफिकेशन. सबको समझ में आया? तो यहां पर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन किसका देखना है, ऑफ एलिमेंट्स का. तो यहां पर मोटा मोटी तौर पे हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. किसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किसका ग्रुपिंग पढ़ेंगे, तो एलिमेंट्स का, ठीक है. और यहां पर जो क्लासिफिकेशन है ना एलिमेंट्स का, वो पीरियोडिक है. कहने का मतलब एलिमेंट का जो ग्रुपिंग आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन में, तो एलिमेंट का ग्रुपिंग होता है ना, वो एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करेगा. जैसे आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे तो अगर एक सोडियम एक मेटल है तो उसके जस्ट नीचे आपको पोटेशियम एक मेटल मिलेगा, ठीक है. फिर सोडियम के ऊपर जस्ट ऊपर आपको लिथियम एक मेटल मिलेगा, और इन तीनों का प्रॉपर्टी रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद. इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. चलिए तो हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं. जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आज के दौर में 118 एलिमेंट है, देयर इज ए 118 एलिमेंट. अभी के टाइम में 118 एलिमेंट है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में. चलिए, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि चूंकि ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चैप्टर है एलिमेंट्स के, तो कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री होगा. अब जैसे बायोलॉजी की बात करते हैं तो बायोलॉजी का जब भी क्लासिफिकेशन आता है तो कुछ हिस्ट्री पढ़ते हैं. जैसे कार्ल लूस ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, फिर लिनियास अपने टाइम में भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किए थे, एरिस्टोटले ने ऑर्गेनिज्म को अपने तरीके से क्लासिफाई किया था. तो बायोलॉजी में हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, लेकिन आज के दौर में जो हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बायोलॉजी में, वो किसका पढ़ते हैं, आर एच वेटकर का पढ़ते हैं. तो नो डाउट आज के दौर में जो पीरियोडिक टेबल है वो हेनरी मोसले का दिया हुआ है, लेकिन उससे पहले भी कोई पर्सन आए थे जो एलिमेंट को क्लासिफाई करके गए. जैसे बायोलॉजी में कार्ल लूस हो गए, लिनियास हो गए, वो लोग आए जो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके गए, तो उनका हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ना. उसी तरह यहां पर कुछ हिस्ट्री है कुछ साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने एलिमेंट को अपने अपने तरीके से क्लासिफाई किया, और पढ़ना हम लोग के लिए जरूरी है क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में ना हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन. तो चलिए यहां से हम लोग टॉपिक को शुरू करते हैं, और यहां पर हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है किसके बारे में. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जानेंगे डोबेरिनर के बारे में.
किसके बारे में जानेंगे? डोबेरिनर के बारे में। तो चलिए टॉपिक को यहां से शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, डोबेरिनर कौन थे? तो डोबेरिनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले एलिमेंट को क्लासिफाई किया। और डोबेरिनर जी जो एलिमेंट को क्लासिफाई किया तो उसके लिए उन्होंने क्या कंसेप्ट दिया? तो उन्होंने कंसेप्ट दिया था क्या? ट्राइड्स का। ट्राइड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थ्री। तीन के ग्रुप को हम लोग ट्राइड्स कहते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट अब आते हैं हम लोग डोबेरिनर के ट्राइड्स के बारे में जानते हैं। तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा ये ट्राइड्स का मतलब क्या होता है। तो जरा सुनेंगे ट्राइड्स का मतलब क्या होता है। तो ट्राइड्स का मतलब होता है थ्री, ठीक है, ग्रुप ऑफ थ्री। किसी भी तीन चीजों के ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्राइड्स कहते हैं। जैसे दो को हम लोग क्या कहते हैं? पेयर। हंड्रेड को क्या कहते हैं? सेंचुरी। उसी तरह ट्राइड का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ थ्री। कोई भी चीज अगर तीन है, जैसे मेरा तीन उंगली है ना, इसी को क्या कहेंगे? ट्राइड। समझ में आया? तो अब देखिए, तो अब डोबेरिनर क्या किए? ट्राइड बनाए, तीन एलिमेंट का ट्राइड बनाए, तीन एलिमेंट का ट्राइड बनाए। अब जरा देखिए, तो ये डोबेरिनर ट्राइड क्या बोलता है? तो ये बोलता है इट स्टेट दैट, मतलब डोबेरिनर का जो ट्राइड रूल था, डोबेरिनर का जो ट्राइड रूल था वो क्या बोलता है? तो यहां पर लिखेंगे इट स्टेट दैट द एवरेज मास ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स इज इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट। तो इन्होंने कहा कि जो तीन एलिमेंट होगा ना किसी भी ट्राइब में, उसमें पहला और तीसरे, उसमें पहला और तीसरा एलिमेंट का जो एवरेज मास होगा ना वो सेकंड एलिमेंट के मास के बराबर होगा। मतलब मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट किसी भी ट्राइब में, तीन एलिमेंट का ग्रुप होता है ना ट्राइब, तो पहले एलिमेंट का मास प्लस थर्ड एलिमेंट का मास का जो एवरेज होगा, तो एवरेज निकालने के लिए दो से डिवाइड देंगे, वो किसके मास के बराबर हो जाएगा? तो वो बराबर हो जाएगा सेकंड एलिमेंट के मास के। मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं, पहले आपको यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, तो डियर स्टूडेंट अब यहां पर हम लोग डोबेरिनर का ट्राइड्स का एग्जांपल देख लेते। तो मैंने बताया था कि ट्राइड का मतलब होता है तीन। तो यहां पर डोबेरिनर ने ट्राइड बनाया था और एक ट्राइड में ना तीन एलिमेंट लिया था। तो जैसे उनका किसी एक ट्राइड का एग्जांपल ले लेते हैं, लीना की, मतलब लिथियम सोडियम पोटाशियम। अब जैसा कि हमें पता है कि लिथियम का मास होता है 7U, ठीक है, सोडियम का मास कितना होता है 23U, और पोटाशियम का मास कितना होता है तो 39U, का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो डोबेरिनर का ट्राइड क्या कहता है कि किसी भी ट्राइड में जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट होगा उसका एवरेज मास सेकंड एलिमेंट के बराबर होगा। तो चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या आ जाता, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है? लिथियम। तो लिथियम का मास कितना है 7, प्लस थर्ड एलिमेंट कौन है? पोटाशियम, इसका मास कितना है 39। एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आप जरा देखिए तो क्या होगा, 39 प्लस 7 कितना होता है 46 बाय 2 होगा। अब जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 23। अदरा देखिए तो 23 किसका मास है? 23U। तो 23 आपको किसका मास है? तो 23 आपको सोडियम का मास निकल गया। कितना आसान है सर, इट इज वेरी इजी। तो डोबेरिनर का ट्राइड क्या कहता है कि पहला एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट का जो एवरेज मास होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? सेकंड एलिमेंट के मास के बराबर हो जाएगा। यही है डोबेरिनर का ट्राइड, ये बेस्ट एग्जांपल है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है। तो देखा स्टूडेंट आपने, ट्राइड्स रूल कितना आसान है ना, किसी भी ट्राइड्स में जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज मास होगा वो सेकंड एलिमेंट के मास के बराबर होगा। तो कुल मिलाकर के अच्छे इनके पीरियोडिक टेबल में कुल मिलाकर के 9 ही एलिमेंट थे और तीन ही ट्राइड्स थे, एक ट्राइड में तीन एलिमेंट और ऐसा था तीन ट्राइड, मतलब कुल मिलाकर के 9 एलिमेंट। तो एक था आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा इनका ट्राइड्स, तो एक हो गया लीना के लिथियम सोडियम पोटाशियम, और एक ट्राइड्स आपको मिल जाएगा कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम और बैरियम का, और एक आपको ट्राइड्स इनका मिल जाएगा क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का, आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप वहां पर से देख सकते हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन में एक यानी तो दो मार्क्स में ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, मतलब डोबेरिनर का ट्राइड्स लिखने के लिए, यानी तो इसका ड्रॉबैक। लेकिन डियर स्टूडेंट आपको तो पता है कि इनका पीरियोडिक टेबल कुछ खास नहीं था और इनके पीरियोडिक टेबल से कोई खास जानकारी भी नहीं मिल रही थी, और इनका पीरियोडिक टेबल कुछ ही दिन के बाद बर्बाद हो गया, और इनका पीरियोडिक टेबल में ढेर सारा ड्रॉबैक मिला, खामियां मिला, कमी मिला। तो अब हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर देखेंगे, ड्रॉबैक ऑफ डोबेरिनर पीरियोडिक टेबल। ओके, चलिए तो इसको हम लोग शुरू करते हैं यहां पर।